हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं कराची वर्सेस लाहौर के बीच में जो T20 मैच होने वाला है उस मैच का आपको टीम देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का ही टीम देने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये वीडियो हो सकती है और आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं इस वीडियो में क्या बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड बात करते हैं लाहौर से। लाहौर जो है बहुत दिनों से एक भी मैच नहीं जीता है, हालांकि पिछला मैच उन्होंने जीता है और टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। तो शायद वो लोग जो है कोई भी चेंजेस ना करें अपने टीम में। तो आपके लिए विकेट कीपर पे यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं और दोनों ही जो है मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। एक है मोहम्मद रिजवान और दूसरा है गुल रईस शरफ। तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मैच में एक विकेट कीपर चेंजेस के लिए, तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। बात करते हैं बैटिंग की। बैटिंग में आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेंडन मैकलम, यहाँ पे है बाबर आजम, यहाँ पे है फखर जमन। ठीक है, ये तीनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है और अच्छी खासी रन भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो डेंडी को लिया है, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप कॉलिंग इंस्टाग्राम और लिंडर सिमल्स को जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उतना खास ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर पर आपके पास सुनील नारायण, देवसिच एंड शाहिद अफरीदी एक अच्छा ऑप्शन है। और वहीं पे आप चाहें तो ग्रैंड लीग में जो है रवि बप्पड़ा एंड इमाद वसीम को जो है ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इनमें भी उतना काबिलियत है कि ये भी अकेले में मैच जिता सकते हैं। तो अब बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग पे यहाँ पे मैकलरेगन अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसे ले सकते हो। मैंने उसे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे मोहम्मद आमिर को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे यासिर साहब को भी ले सकते हो। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे किसे लिया है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने शेन आफरीदी को लिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया था इन्होंने पिछले मैच में और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्पेल किया था इस PSL में। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जो है ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मोहम्मद इरफान जूनियर को लिया है, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा जो है टाइमन विल्स जो है आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे उस्मान खान को भी ले सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। तो फ्रेंड साथ ही साथ अगर आप इस पाकिस्तान प्रीमियर लीग की किसी भी मैच में अगर आप बेटिंग या कुछ भी करना चाहते हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और आप मुझसे जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो शायद आप लोग जो है समझ के आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन जो है देवसिच को बनाया है और वॉइस कैप्टन जो है मैंने बाबर आजम को लिया है, ठीक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। और बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए। मुझे लगता है ग्रैंड लीग में जो है लिंडन सिमंस एंड जो है कॉलिंग इंस्टाग्राम आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए भी। अगर स्मॉल लीग की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर आप चाहें तो नारायण को भी ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि बैटिंग फिर से ये जो नीचे आ रहे हैं तो आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होंगे, अदरवाइज़ आप चाहें तो इनका ट्राई कर सकते हैं। फखर जमन भी एक दो बार बॉलिंग करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फखर जमन, तो आप चाहें तो उसे भी जो है ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर किसी ग्रुप में हो तो, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।